स्वागत आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल गोमी किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर सभी और रजत को लाएगी सही। करीब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि यहां पर रजत और सभी के बीच में डांडिया में काफी ज्यादा पंगा हो जाएगा। एक तरफ आशिका बार बार रजत को खियान के सामने गलत साबित कर देगी और यहाँ पर एक फ्लैश बैक भी दिखाया जाएगा जहाँ पर खियान को कस्टडी छीनने के लिए आशिका ने जानबूझकर ये साबित कर दिया था कि जो कियान को चोट लगी थी गलती से वो रजत की वजह से लगी थी। वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर आशिका और अर्श और कियान यहाँ से वहाँ से इवेंट छोड़ते हुए नजर आते हैं और सभी पर रजत भड़कते हुए नजर आता है और यहाँ पर जो है सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सही के कमरे में जाकर रोते नजर आती है, जिसके बाद सही काफ़ी गुस्सा हो जाती है रजत से और कहती है कि आप अभी की अभी माफ़ी मांगो और अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं आपसे भी बात नहीं करूँगी। जिसके बाद रजत सभी को मनाने के लिए सही के कमरे में पहुँचता है और वह उसे सही के कहने पर सॉरी भी कहता है। लेकिन यहाँ पर सभी कहती है कि इस बच्ची के सामने आप माफ़ी मांग कर क्या जताना चाहते हैं और रजत काफ़ी नाराज होता है लेकिन फिर भी सही की खातिर उसे माफ़ी मांगता है और सही कहती है कि नहीं आप ऐसे नहीं मानोगे, आप दोनों को किस करना पड़ेगा, मुझे तब मैं मानूंगी कि आपके बीच में सारे जो है चीज़ें खत्म हो, आपका गुस्सा खत्म हो गया है और आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दिए हो। जिसके बाद देखने को मिलता है कि सभी और रजत दोनों ही सही को किस करते नजर आते हैं लेकिन बीच में से सही के हट जाने की वजह से दोनों का लिप लॉक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा इनका रोमांटिक ट्रैक, वो भी सही की वजह से।